बोला है कि बिल्डिंग का है ना वो चीर आ रही है, तो गिर रही बिल्डिंग बाहर निकाल। वो सलून के इधर का कुछ तो गिर रहा है ऐसा बोले, तो 25 मिनट में वो लोग ने फिर 4:30 बजे बिल्डिंग गिरी। हम सब गए होते, कोई भी नहीं बचा होता। ये बताइए हमें क्या हादसा हुआ, कैसे आपको नींद खुली, कब बाहर निकले आप सब लोग? हम मेरे को 4:15 बजे नीचे वाले भाभी का फोन आया, जो नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, उनका उनने बोले कि बिल्डिंग का है ना वो चीर आ रही है, तो गिर रही बिल्डिंग बाहर निकल। तो मैं निकली बच्चों लोग के लिए बाहर लेके, और फिर मेरे पास सबके नंबर थे, उनके पास नहीं थे, तो मैंने सबको फिर फोन लगाई, एक एक फ्लोर पे सबको फोन लगाई और बोली खाली करो। तो 25 मिनट में वो लोग ने फिर 4:30 बजे बिल्डिंग गिरी और सब लोग खाली हो गए। आप कुछ सामान लेने के भी नहीं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे थे वैसे ही निकल गए सब लोग। कुछ साइन था का आपको कल, कुछ पता चला कि कॉलम फटा हुआ है कुछ ऐसा कुछ हुआ? कल ऐसा कॉलम बिलम का कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ कल मेरे को बाजू वाले भाई ने वो सलून के इधर का कुछ तो गिर रहा है ऐसा बोले, तो मैंने बोली कुछ काम चालू होगा तो वो होएगा, ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था। काम चालू था क्या? नहीं, वहाँ पे कुछ काम नहीं चलता, मुझे ऐसा लगा था। सब आदमी बाहर निकले? हाँ, सब बाहर निकले, सिर्फ वो कपल्स थे अंदर, तो वो लोग भी निकले गाहेल है, पर एक आदमी बोलते आदमी है अंदर। आपको यानी अगर वो सुबह उठाया नहीं होती तो आप लोग भी उसमें अंदर? हम सब गए होते, कोई भी नहीं बचा होता, सब गए होते उसमें से कोई भी नहीं बचा होता, क्योंकि मेरे पास ये सबके नंबर थे ना, वो भाभी के पास नहीं थे। तो आपको ऐसे कुछ लगा नहीं कि इमारत गिरने वाली है, कुछ ऐसा कुछ साइन नहीं मिला? नहीं 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 नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं मिला। हमारे इधर रूम में पहले से जैसा चीड़ भीड़ है वैसा जैसा रहती वैसा। तो आप जो मालिक है उन्होंने कुछ आपको ये दिया था कि कुछ है 10 साल पहले इमारत है और गिर गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले थे, वो काम करवाते थे, थोड़ा थोड़ा काम करवा के देते थे जैसा कुछ होता था। तो मालिक का नाम क्या है? महेश कुमार। आपका नाम क्या? मेरा जोया देशमुख।